आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति इस समय जनता के मुद्दों से भटक चुकी है और हम देख रहे हैं लगातार कि देश की राजनीति में इस समय धार्मिक बयानबाजी की दखल इस कदर ज्यादा हो गई है कि लगता है पूरा देश धार्मिक बयानबाजी पे ही चलता नजर आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों के बयान बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों की प्रतिक्रियाएं बोल रही हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये समय की व्यवस्थाएं बोल रही हैं। हम खबरन भी तो वही चीज दिखाते हैं जो हो रहा है और आम जनता को वही समझ में भी आता है जो हम दिखाते हैं। खैर, हमारी जो कर्तव्य है वो यही है कि जो भी इस समय समाज में हो रहा है या देश में हो रहा है उसका बाकायदा चित्रण करके आम जनता को दिखाए, जनता इससे रूबरू होती रहे। खैर, यह जनता के लिए फिलहाल यही व्यवस्था लाई गई है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों से अलग यहाँ पर धार्मिक बयानबाजी का दौर जारी है। यहाँ पर हमारे राजनीतिक दलों को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ना उनको रोटी से कोई मतलब है, ना कपड़ा से कोई मतलब है, ना मकान से मतलब है। उनको के मतलब है धर्म की दुकान से। अब मैंने शब्द क्यों कहा कि धर्म कोई दुकान नहीं है, पर धर्म राजनीति भी नहीं है। धर्म आस्था और श्रद्धा के लिए बना है, ना कि राजनीति के लिए। पर कारण क्या है कि इस समय देश में व्यवस्था ही चल रही है कि केवल यहाँ राम सेतु, यहाँ कभी बात होती है रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर, कभी बात होती है सनातन धर्म को लेकर, कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, देश के राजनेता ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ के साधु संत भी इस महायज्ञ में उतर चुके हैं। भाई, महायज्ञ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से एक धर्म का यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है, ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एक राजनीति हो रही है जिसमें धर्म को ही आगे बढ़ाकर बयानबाजी की जा रही है। सबके धर्म है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्मों को समान समता, समान अधिकार, समान सम्मान प्राप्त है। यहाँ किसी धर्म को नीचा या ऊंचा नहीं दिखाया गया, सब धर्म समान है। और जो संविधान है वो भी यही बोलता है कि यहाँ पर सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों को यहाँ समान अधिकार प्राप्त है और सभी धर्मों को यहाँ समान आस्था और श्रद्धा प्राप्त है। पर कारण क्या है कि जिस तरह से इस समय की नीति चल रही है तो धर्म का इस समय राजनीतिकरण हो चुका है। यानी वो धर्म जो हमको आस्था श्रद्धा के लिए बनता नजर आता है तो वही धर्म अब इस समय राजनीति के लिए प्रेरित करता नजर आता है। धर्म प्रेरित नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ के राजनेता धर्म को अब राजनीति का केंद्र बना चुके हैं। कभी यहाँ चर्चा होती है ज्ञानवापी मस्जिद पर, कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पे, खैर वो तो चर्चा है, चर्चा चलती रही, पर इसके साथ साथ कभी रामचरितमानस पे तो कभी यहाँ पर सनातन धर्म पे और हिंदू राष्ट्र पे। खैर, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता की जरूरत क्या है, जनता के मुद्दों को यहाँ कौन उठाएगा, और क्या केवल चौपाइयों पर राजनीति होगी, क्या केवल धर्म पर राजनीति होगी, या केवल यहाँ पर बातों पर राजनीति होगी। और केवल यहाँ पर राजनीति व्यक्ति नहीं बल्कि तमाम धर्मों के तमाम संगठनों के लोगों की लगातार बयानबाजी जारी है और बयानबाजी इतनी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता है जरूरत क्या है, कोई बोलता है ओम और अल्लाह एक है, कोई बोलता है डीएनए एक है। अब डीएनए एक है, ओम और अल्लाह एक है, या जरूरत एक है, वो समझ से बाहर है। और फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल सभी राजनीतिक दलों की जरूरत यहाँ पर एक ही है, वो जरूरत है धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति करते रहो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब ये राजनीति का कोई भी मुद्दा होता है तो उत्तर प्रदेश हो या देश हो या राज्य हो से जुड़े कई लोग ऐसे होंगे जिनका इस राज्य से लेना देना नहीं है, तब भी उनके बयान आ जाते हैं क्योंकि मामला ऐसा है कि बात हो रही है धर्म की राजनीति पर। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे मेहमान जी रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई सपा से पक्ष रखेंगे, अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यह बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, राजनीति धर्म बन चुकी है, धर्म राजनीति बन चुका है, और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है, जरूरत क्या है? एक पार्टी कर रही है तो दूसरी पार्टी को शांत होना चाहिए, पर हम देख रहे हैं कि शायद अब जनता के प्रतिनिधियों को लगता है कि अब जनता के मुद्दे बचे नहीं है, जनता के मुद्दों पर बात करना व्यर्थ है और अब केवल मुद्दा एक ही है, वो है धर्म। धर्म आस्था और विश्वास से अलग यहाँ पर राजनीतिक केंद्र में पहुंच गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी,
भारतवर्ष, अच्छा वर्तमान का भारतवर्ष जी, संविधान में जिस तरह से संविधान निर्माता इस देश को बनाना चाहते थे और बनाने के क्रम में जो संविधान बना और उसके अनुपालन के क्रम में जिस तरह से उस संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, अच्छा ये सारी चीजें आज की स्थिति की जिम्मेदार है। अच्छा, संविधान की मूल पुस्तक में भगवान राम का राम दरबार है। अच्छा, तमाम हमारे ऋषि महर्षि महापुरुषों की तस्वीरें हैं जी, यही चित्र संसद की दीवारों पे अंकित है जी, सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी होती है जी, और उन्हीं राम के जन्म स्थान के ऊपर मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है जी, कांग्रेस सरकार उन्हीं राम के ऊपर हलफनामा दायर करती सुप्रीम कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र है जी। नेहरू जी के नेतृत्व में जिस तरह से मुस्लिम पुष्टिकरण की ओर देश को ले जाने की कोशिश की गई, उसके दुष्परिणाम है कि आज हम आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि हिमालय से लेकर सिंधु तक जो आबादी रखती है उसे हिंदू कहा जाता है, हिमालय से लेकर सिंधु नदी तक, ठीक, और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने की वजह से ही यहां सारे अन्य जो धर्म है वो पुष्पित पल्लवित हुए, बिल्कुल, हिंदुओं ने सबको शरण दिया, ठीक, पारसी यहूदी पारसी संप्रदाय आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा, ईरान से खदेड़ा गया, लेकिन पारसी संप्रदाय के लोग आज आपके हिंदुस्तान में मिलेंगे और ऐसे संपन्न और समृद्ध लोग मिलेंगे जिनके आप उदाहरण दे सकते हैं जी, रतन टाटा भी पारसी समुदाय से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, ठीक है जी, तो ये बहुसंख्यक समाज की सहिष्णुता उदारता के यहाँ सारे धर्म पुष्पित पल्लवित हुए, ठीक है, इसी में एक धर्म इस्लाम आया, इस्लाम की वजह से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में भी आगे चल के विखंडन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बन गया, बिल्कुल बना जी, और जो वर्तमान पाकिस्तान उसमें भी तमाम विखंडन होने की स्थितियां उत्पन्न है। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखते जाइए आप। अब इसमें अगर हम ये कहते हैं कि हम धर्म पूर्वक राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा राजनीति होनी चाहिए जो धर्म उन्मुख हो, धर्म विमुख राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म विमुख राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग धर्म को बहुत सीमित शब्दों में मान देते हैं, जब आप धर्म के विस्तृत अर्थों में जाएंगे गौरव जी, तो धर्म का अर्थ होता है, एक तो होता है ईश्वरीय श्रद्धा एवं पूजा पाठ जी, ईश्वरीय उपासना, लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य, पदार्थ का मूलभूत तत्व गुण, नैतिक एवं व्यवहारिक नियम, सदाचार, पुण्य सत्कर्म। मेरे भाई धर्म की व्याख्या की है, विवेक, मैं आप कह रहे हैं कि संविधान में कमियां हैं और नेहरू जी की तुष्टिकरण की नीति के तहत तमाम तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो समाधान कर दीजिए, इसका संशोधन करा दीजिए, पर इस तरह से बयानबाजी का से क्या मतलब होने वाला है, अपना सब समय खराब हो रहा है जी। किस बयानबाजी की तरफ आप कहना चाहते हैं, अगर आप उस पर बयान बताए तो उस पर आपको बता सकूं जी, किस बयान की सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अकेला किसी पार्टी इंगित नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि जो बयानबाजी चल रही है, कभी रामचरण मानस पे बयानबाजी चलती है, कभी हिंदू राष्ट्र पे बयानबाजी चलती है, कभी सनातन धर्म एक है उस पे बयानबाजी चलती है, कभी डीएनए एक पर बयानबाजी चलती है, कभी ओम अल्लाह की बात चलती है, मैं इस तरह बयानबाजी की बात कर रहा हूँ जी। देखिए अब मैं सारे जितने कोटेशन आपने बताए हैं जी, सारे कोटेशन को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जल्दी बोल दीजिए। हाँ, डीएनए एक है जी, ये सत्य बात है,
अच्छा हिमालय से लेके सिंधु तक जो आबादी रहती सबका डीएनए एक है। ठीक है, ओम अल्लाह एक की बात जो चल रही है जी वो एक नहीं है, उसका उदाहरण आप पलामू में देख लीजिए जी कि महाशिवरात्रि के गेट के बनाने पे दंगा हो जा रहा है। अच्छा, मस्जिद से पत्थर चल रहे हैं। ठीक, जिस धर्म के अनुयायी कह रहे थे कि ओम अल्लाह एक है, हाँ। उसी उसी धर्म की मस्जिदों से पत्थर चल रहे हैं। ठीक, चला कौन, तो ये तो उनकी नारे कौन लगा रहा है? बात के प्रमाण हो गया। बोलिए। हाँ। और आपने एक कहा, एक विषय उठाया आपने, और एकाध कोटेशन और आपने बताई है जी कि रामचरित मानस की पंक्तियों पर जो बहस हो रही है जी, उन पंक्तियों का मूल अर्थ क्या है ये लिखने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ही बता सकते हैं। बिल्कुल, 550 साल पहले लिखा महाकाव्य पता है मैं। ये सत्य है कि महाकवि तुलसीदास की रामचरित मानस को आज बहुसंख्यक समाज में जो आदर प्राप्त है, घर घर में रामचरित मानस मिल जाएगी और हर जगह उनका रामचरित मानस का पाठ होता है। ठीक, और तुलसी के राम को, भगवान राम को, अयोध्या के राम को, बजरंग बली के राम को आप अलग नहीं कर सकते। और जिस तरह से भक्त की भक्त का भाव होता है भगवान के प्रति, भाव समझ में आ गया, भगवान का प्रेम होता है। भाई मेरा कहना यह है कि जो राजनीति धर्म पर केंद्रित हो गई है, जनता के मुद्दों की यहाँ कोई बात नहीं होती। मैं देख रहा हूँ लगातार जनता के मुद्दों की बात यहाँ पर सारे राजनीतिक परिदृश्य से अलग है, खत्म हो चुकी है ना देश में दिखती है। जनता के मुद्दे से जनता का मुद्दा है क्या जी? जी, जनता के मुद्दों की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता के मुद्दे हैं। अच्छा, इसका एक मैं आपको बड़ा सटीक उदाहरण देता हूँ। बोल लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनके साथ उनके वामपंथी मित्र थे। अच्छा, तो वामपंथी मित्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से कहा जी कि बात केवल रोटी कपड़े और मकान की होनी चाहिए, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसमें धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, ये वामपंथी मित्र का विचार था, जैसा कि आप जो कहना चाह रहे हैं जी। इसका बहुत अच्छे तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर दिया कि आपके हिसाब से रोटी कपड़ा मकान, मकान आपके पास है, कपड़ा आप पहने, रोटी और आपको चाहिए जी। लेकिन हाँ, तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको भरपेट भोजन कराऊं और चौराहे पर ले जाकर के 10 जूते मारूं तो आपको ये अच्छा लगेगा? अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अब आप पंक्ति लाइन पे आ गए, सारी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ मानव का सम्मान भी होना चाहिए। अच्छा, और उसका सम्मान जब तक सम्मान नहीं हो रहा है उस भाई, सम्मान नहीं हो रहा है इस समय, सम्मान नहीं हो रहा किसी का, क्या एक बात चुप पूरी हो जाने जी, समझने की कोशिश करें गौरव जी। जी समय हो रहा जी, जब तक उसके मानव उसकी सभ्यता का उसकी संस्कृति का सम्मान नहीं है जी, तो ऐसे तो पेट भरने के लिए तो जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। उस संस्कृति का, सनातन संस्कृति का वो ध्वजा वाहक है, उस सनातन संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। विवेक भाई क्या राय है भाई आपकी? विवेक श्रीवास्तव ने तो तमाम बातें कही, पर मुद्दा यहाँ पर यही निकल के आया कि धर्म का सम्मान होना जरूरी है, उसके लिए यहाँ पर लगातार संघर्ष जारी है। रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, और सम्मान भी जरूरी है, क्या राय है आपकी भाई? देखिए, पहले तो इस चर्चा परिचर्चा में जी आने के लिए और आपके द्वारा इस विषय पे अपना पक्ष रखने के लिए आपने जो अवसर दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और पूरे मंच पे जो पैनलिस्ट उपस्थित है उनको मैं अनुमोदन के साथ जी आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे देश को देता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश को देता हूँ जी। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, शरीर से आत्मा अलग नहीं की जा सकती जी, इसी तरह धर्म राजनीति की आत्मा है। क्या बात, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्यों है आप जिस महाकाव्य, आप लोग मुद्दे ही उठा रहे हैं, हम तो समझ चुके हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप महाकाव्यों को पढ़ते हैं, महाभारत की बात कीजिए चाहे रामायण की बात कीजिए, रामायण में मंत्रिपरिषद की जिस तरह व्याख्या की गई है, रामायण में जिस तरीके से राजनीति की व्याख्या की गई है, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि मार्गदर्शक और मार्गदर्शन दो अलग तथ्य होते हैं। बिल्कुल, आपको इन ग्रंथों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जी, इनको मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए अपना। अच्छा, अगर आप महाभारत को मार्गदर्शक बनाएंगे जी तो फिर चौपड़ बिछेगी और फिर
कहीं ना कहीं किसी का चीरहरण होगा और फिर कहीं ना कहीं फिर वही द्वंद होगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि इनको इनसे मार्गदर्शन लीजिए। पकड़ ली, अच्छी चीज पकड़ ली, गीता भी है हमारा महाभारत। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ जी। मार्गदर्शन लेना चाहिए। गीता की बात आपने की, गीता में जीवन को जीने की पद्धति को जिस तरीके से अनुभूति के साथ स्पष्ट किया गया है, आज उसको बड़ी बड़ी MNCs अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए, उसकी पंक्तियों को, उसकी जो नियमावली दी गई है, उसके अंदर जो सार संग्रह है, उसका उपयोग कर रहे हैं वो अपने मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक, सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी कि इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन धार्मिक जो चला वो राम मंदिर चला। अच्छा, अभी तक का जो हमारे सामने रहा, लेकिन इस राजनीतिक राम मंदिर के आंदोलन को खड़ा किसने किया? अच्छा, आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो वैकुंठवासी हो गए जी, आदरणीय अद्वैतनाथ जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे संघर्ष भूमिका निभाई जो सबसे स्थानीय जमीनी भूमिका थी वो तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी की रही। अच्छा, उनके कार्यकाल में मुझे लगता है पहली बार ताला तोड़ा गया, अगर मैं गलत हूं मुझे आप सही कर दीजिएगा जी। लेकिन जी वो तब तक सही था जब तक बात प्रभु श्री राम को एक स्थान पे लाने तक की थी। ठीक, लेकिन जब उस मुद्दे को नारों में बदला गया, जब उस मुद्दे को उन्माद में बदला गया, जब उस मुद्दे को इस देश की राजनीति का आधार बनाया गया, उसके बाद जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि ये सबके सामने है। तभी शायद आज आप इस विषय पे बैठे हैं, इस चर्चा को लेकर। कौन आधार बनाया बेबी भाई, वही बता दीजिए कौन आधार बनाया है। भाई देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम का नाम भुनाने की जो सबसे बड़ी, मतलब इसको कह सकते हैं कि जिसपे आरोप लगाया जाएगा वो तो RSS और भाजपा है। अच्छा भाई, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था तो दिखती नहीं है, लेकिन घोटाले जरूर दिखते हैं। अच्छा, और उससे भी बड़ी बात मैं कहूंगा, राजनीति में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ नारों की राजनीति किसने शुरू की? अच्छा, वर्ण व्यवस्था। अच्छा, आप ऐसा ही बताइए, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को बना रही है, राम मंदिर उनके एजेंडे में था, आपके एजेंडे में था क्या? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं, तो अगर राम मंदिर बना है तो बोलेंगे भाई हमने बनवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके जिंदे में था ही नहीं। आपको बड़ी जिम्मेदारी से इसका जवाब दे दूं जी, भाजपा ना पक्षकार थी ना पैरोकार, गोली चलवाना था इस आंदोलन के जो केस चल रहे थे कोर्ट में, ना पैरोकार थी ना पक्षकार थी। ठीक, और इस आंदोलन का जो निस्तारीकरण किया गया वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किया गया। बिल्कुल किया गया, तो इस तंज को कसना कि हमने किया, आप करते अगर, जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ, ये जैसे कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, हाँ तो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर दूं जो इन्हीं के शब्द थे अभी, संविधान में छेड़छाड़ की गई, आपको किसी ने रोका है? दुरुस्त करिए ना कथनी, और मैंने भी कहा संशोधन कर दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, संशोधन करिए ना जी, आपकी इच्छा शक्ति तो हो। आप इसको केवल मुद्दों की तरह, वो टेनिस बॉल देखा ना, उछालते रहो उछालते रहो, लेकिन उसको कोर्ट में नहीं डालेंगे। अच्छा, कोर्ट में नहीं डालेंगे कोर्ट में नहीं डालेंगे, उछालते रहेंगे। नहीं नहीं, ये चर्चा परिचर्चा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई किसी के बीच में बोलेगा नहीं जी। लेकिन एक बात आपको बड़ी शिष्टाचार के साथ बता दूं, इस देश में कोई राम रचरित मानस का मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। अच्छा, आज जो जिन महाकवि, कवि तुलसीदास जी की बात करिए, चाहे वाल्मीकि, जो भी महाकाव्य लिख के गए, आज जो हमारे वर्तमान में लेखक है, क्या 500 साल बाद ये इनको महाकवि नहीं कहा जाएगा? अच्छा, कहा जाएगा। तो मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम बता दूं, द सैटेनिक वर्सेस, द ग्रेट सोल, जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस। अच्छा, ऐसी बहुत सारी किताबें जो भारत में अभी भी प्रतिबंधित है। अच्छा, प्रतिबंधित है क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया गया, चाहे इसके अंदर जो शब्द थे उनको समाज के अनुसार मान्यता नहीं दी गई। अच्छा, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं, किसी और को मैं वही ला रहा हूँ, बस मैं आ गया, मैं प्रणाम पे आ गया जी जी। मैं एक बात उठाना चाहता हूँ कि आज रामचरितमानस पे शब्दों को लेकर के आपत्ति जताई जा रही है भाजपा द्वारा, कई लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं जी। ये भावनाएं उस दिन क्यों नहीं आहत हुई जब भाजपा के ही नेता, जो अब सो कॉल्ड हिंदू बन गए हैं, लाभ लेने के लिए राजनीतिक, और उसके बाद हिंदू धर्म सनातन का भी अपमान कर दिया उन्होंने कि मेरा मन करता है मैं आत्महत्या कर लूं। अच्छा, आपको याद होगा वसीम रिजवी शायद नाम था, त्यागी बन गए थे आकर के हिंदू धर्म में। अच्छा, मैं एक सवाल जिम्मेदारी से पूछूंगा, नहीं मैं सवाल पूछूंगा, हाँ मैं एक सवाल उठा रहा हूँ जी। जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट गए थे आयतों को संशोधित कराने, कुरान को संशोधित कराने, उस दिन क्यों नहीं भावना आहत हो रही थी किसी की? अच्छा, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बात आपको स्पष्ट, ये आपको उस चश्मे से दिखाना चाह रहा हूँ राजनीतिक एजेंडा किस तरह भुनाने का प्रयास करती है भाजपा या RSS। अच्छा, आप जिस ब्राह्मण को, सुन लीजिए मेरी बात, जिस ब्राह्मण को सर्वोपरि, पिछले चुनाव में आपने स्थिति देखी,
अच्छा ब्राह्मण यात्राएं, ब्राह्मण ब्राह्मणों की एकदम कॉपीराइट लेकर के भाजपा चलती है। अच्छा, उस ब्राह्मणों के वर्ग को जब अपमानित किया जाता है आरएसएस द्वारा, क्या भाजपा का कोई एक नेता सामने आकर के ये कहता है कि आप जाति विशेष की बात ना करिए? अरे आप कितने ब्राह्मण है सपा में वो बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद ही ब्राह्मण सपा में, आप सबकी छोड़िए, मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूँ, बैठा हूँ आपके सामने। मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि जातिगत बातें जब भाजपा के नेता करते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, मंच से जालीदार टोपियां देखते हैं, मंच से एक वर्ग विशेष को अपमानित करते हैं, कपड़ों से चिन्हित करने की बात करते हैं, आर्थिक बहिष्कार करने की बात करते हैं, पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या तब आपको निर्देशित किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया गया, अंततः मोदी जी को कहना पड़ गया कि मुस्लिम समुदाय के प्रति भाजपा नेता अखिलेश यादव को बयानबाजी ना करें। अखिलेश यादव को कहेंगे, कर कौन रहा था, जो कर रहा था उसको अखिलेश यादव को कहेंगे कि रामचरितमानस पे ना बोला जाए? क्यों कहा जाएगा? अच्छा भाई, हमने कभी किसी वर्ग का ना अपमान किया है और ना किसी वर्ग को अपमानित करने का प्रयास किया है। लगातार रामचरितमानस पे बात आ रहे हैं, मेरी बात जी, ना हमने कभी किसी वर्ग को अपमानित किया है और ना अपमानित करने का प्रयास किया है। अच्छा, मैं तो एक सवाल मैंने गौरव भाई उठाया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द को लेकर आपत्ति जताई, जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय को अगर उस शब्द से आपत्ति है, ये जिम्मेदारी हमारे इस देश के चारों पीठों की शंकराचार्य की है कि इस विषय को उनके सामने सरकार रखती और उनके सामने रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर विपक्षी दल क्यों प्रहार कर रहे हैं भाई, इस विषय को विपक्षी दल क्यों उठा रहे हैं? इस देश में चार पीठ के शंकराचार्यों की जो धर्म व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार वो आकर के संतुष्ट करते सबको, वो आकर के इस पे मंथन करते, चिंतन करते, धर्म संसद बुलाते, चाहे वो अपने तरीके से इस मामले को निपटाते। ये भाजपा वालों को किसने कॉपीराइट दिया? आरएसएस को किसने, आरएसएस की किसने औकात इतनी बढ़ा दी कि एक वर्ग विशेष ब्राह्मण के ऊपर लांछित करने का कार्य करते हुए अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और चलिए, आपने आरोप लगा दिए भाजपा के किसी एक नेता ने उठ करके विरोध किया, क्या बात है, किसी एक नेता की औकात हुई कि आरएसएस का विरोध कर दे, मुंह में दही जम गई। कानपुर कांड, कानपुर प्रकरण में जब दो लोगों की, दो मासूमों की, निर्दोषों की हत्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाई जाती है, तब भाजपा के जितने भी ब्राह्मण नेता हो, चाहे दूसरे वर्ग के नेता हो, कोई बीबीसी पे कर रहा था डिबेट बैठ करके, आप वॉल देख लीजिए, ट्विटर वॉल खोल के सबकी, कोई बीबीसी के वीडियो डाल रहा है, कोई डाल रहा है समिट के वीडियो, कोई लखनऊ की सुंदरता दिखा रहा है। अच्छा, तो धर्म से आपने क्या सीखा? अच्छा, धर्म से आपने ये सीखा कि राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रशासन तंत्र और साधन साधने के लिए किस तरह धर्म को आधार बनाया जाए। ठीक है, ठीक है भाई, पर मैं एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आपने इतनी अच्छी बात कही कि मैं तो एक बात आपको बोलते बोलते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा जी। कवच तो कर्ण कुंडल तो कवच के रूप में कर्ण के पास भी था जी, लेकिन जब समय आया उसे भी छीन लिया नारायण ने। अच्छा, तो एक बात भाजपा भी याद रखे। अच्छा, कि धर्म का आधार तभी तक आपके पास आधार हो सकता है जब तक लोग अपनी आंखें बंद करके। सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य आपने कहा कि उन्होंने इस बात कही और चारों पीठों के शंकराचार्य इस बात को देख सकते हैं, तो सही पसंद मौर्य चुपचाप चले जाते हो, पूछ रहे थे भैया इसमें संशोधन हो सकता है क्या? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी, इस मुद्दे को उठा भी भाजपा रही है, इस मुद्दे को हवा भी भाजपा दे रही है, इस मुद्दे पे विरोध भी भाजपा ही दर्ज कर रही है और इस मुद्दे पे उनका सहयोग भी भाजपा कर रही है। भाई ये बताइए, भाजपा के ही संघ मित्र मौर्य ने जब उनका बचाव किया, क्या भाजपा ने निर्देशित किया, कोई नोटिस जारी की? भाजपा की सांसद है। अच्छा, मैं तो जिम्मेदारी से रख रहा हूँ बात। और रही बात, एक बात बताइए गौरव भाई, आप बड़े मासूम है, मीडिया बड़ी मासूम है, मैं तो मासूम हूँ भाई। नहीं नहीं, आप इसलिए मासूम है, इस देश में भाजपा ने चार पीठ की बात कर रहा हूँ केवल जी, चार पीठों के पीठाधीश्वर आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि जिनको नामित है उनका सम्मान कब किया? अच्छा, आप बताइए, राम मंदिर अगर सनातन की बात करने वाले ये बैठे हैं राजनीतिक, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं सार्थक कर दूंगा शब्द क्यों है। हमारे यहाँ सनातन में परंपरा है कि जब हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव या गुरु हमारे नहीं आते हैं, हिंदुओं के धर्म गुरुओं अगर नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, उनकी पादुकाएं पूजी जाती हैं, सिंहासन पे रख के प्रथम पूजा पादुका पूजा होती है गुरु की, उसके बाद कोई संस्कार पूरा होता है। मैं पूछता हूं कि जिस दिन शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, उस दिन आदिदेव ब्रह्मलीन स्वर्गीय आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो दो पीठों के शंकराचार्य थे, उन्होंने सरकार को निर्देशित किया था, सुझाव दिया था कि ये मुहूर्त ब्रह्मकालीन मुहूर्त नहीं है, ये संयोग कारक मुहूर्त नहीं है, ये मुहूर्तकालीन मुहूर्त नहीं है, इससे भारत में विपत्ति आएगी। उस निर्देश को इन्होंने दरकिनार किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी आस्था का विषय था, लेकिन आपकी शंकराचार्य में आस्था थी तो उनकी पादुका पूजन क्यों नहीं, उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया चारों पीठों के पीठाधीश्वर को? अच्छा, आपने उस दिन जहां अपने राजनीतिक लोगों को बिठा करके वीडियोग्राफी कराई पूरे विश्व के सामने, अच्छा, क्या हमारे सनातन को संरक्षित करने वाले, प्रचारित करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले, अच्छा, सनातन की धरोहर चारों पीठों के एक शंकराचार्य क्या मौजूद? सवाल रहेगा, एक सवाल रहेगा मेरा आखिरी, फिर अभिमन्यु भाई को लेता हूँ, ये बताइए आप लोग रामचरितमानस को मानते हैं?
आपके आस्था का विषय है कि नहीं? देखिए हर सनातनी रामचरितमानस को पढ़ता है। आप मानते हैं ना? हर सनातनी रोली तिवारी और ऋचा सिंह क्यों निकाल मेरी बात पूरी आ जाए पहले गौरव भाई, ये बड़ा विभेद वाला बहुत सही सवाल आपने उठाया। जी बोल दिया। हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी गई है सनातन में भी 32 कोटि देवी देवताओं का प्रकार है। अब मैं आपको इसको स्पष्ट कर दूं, दो बस 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। बोल लीजिए। 32 प्रकार के देवी देवता है। मैं देवी उपासक हो सकता हूँ, आप हो सकता है कि देव उपासक हो। जी हम ब्रह्म में आस्था रखते हो, आप शिव में आस्था रखते हो, ठीक। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपका अनादर करते हैं। हर देवता की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो पौराणिक बातें हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समन्वय मिलती है, दिखती हुई समन्वय कार्य करती हुई मिलती है, और कहीं ना कहीं आधार ये होता है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। अरे रोली तिवारी ऋचा सिंह क्यों निकाल दिया आपने? भाई देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर पार्टी करेगी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रहार वज्र प्रहार होना ही होना। अच्छा, मनोज पांडे मैं तो नहीं, नहीं मैं बड़ी जिम्मेदारी। मनोज पांडे को नहीं निकाला? किसको? मनोज पांडे को नहीं निकाला, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो खूबसूरती है, आपको तो इसकी वाहवाही करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में कम से कम बोलने का अधिकार तो है। राकेश प्रताप भाजपा में देख लीजिए, भाजपा में देख लीजिए, राकेश प्रताप सिंह को नहीं निकाला। परसों कानपुर कांड में राज्य मंत्री के बगल में खड़े होकर इनकी जिला पंचायत सदस्य जिस तरह से अपमानित कर रही थी, मंत्री जी के पतिदेव जिस तरह से मीडिया बाइट दे रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से पीड़ित को ही गलत बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इनकी औकात तो भाजपा वालों की, इनके मुंह से आवाज निकल जाए। आरएसएस का विरोध नहीं कर सकते, अगले टर्न में मुद्दों पर विरोध नहीं कर सकते। अभी त्यागी विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि नेहरू की तुष्टिका नीति के कारण ऐसा हुआ, और जो राजनीतिक है वो जरूरत है, सम्मान के लिए यहाँ पर संघर्ष है, सम्मान मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिले ना मिले सम्मान जरूर मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं? गौरव जी आपको और प्रणामोजी सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी, और महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका जी। देखिये गौरव जी, जो जी, धर्म है वो आदर्श और मूल्यों को सिखाता है, क्या बात है, साथ में जो नैतिकता है उसको रेखांकित करता है, और जो राजनीति है वो जो समाज में जो सुधार, जो आर्थिक हित है, जो जिस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं वो उन सुधारों पर काम करती है जी। धर्म जो है वो परोपकार सिखाता है, मानवता सिखाता है सभी धर्मों में, ठीक। और राजनीति में एजेंडा सेट किया जाता है कि किस तरह से सत्ता प्राप्त की जाए। देखिये दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि जो आदर्श होते हैं, जो सुचिता होती है, जब उस सुचिता पर धर्म नहीं चलता है, यानी धार्मिक स्थल जब अय्याशी का अड्डा बनते हैं या आतंकवाद का अड्डा बनते हैं, उस तरह से ही राजनीति में जब अपराध और इसी तरह की सुचिता नहीं रहती है, अब कहीं पर भी बैलेंस जब नहीं रहेगा, जब राजनीति के मंचों को धार्मिक मंच बनाने का प्रयास किया जाएगा तो वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ सरकार का जो आचरण होगा वो धर्म निरपेक्ष ही होगा, और जहां जहां जिस भी जगह पर धार्मिक गणमान्य लोगों का प्रभाव बढ़ा है वहां हानि उस राष्ट्र की हुई है। ये बहुत पुराने समय से रहा है, और राजा का अलग कानून रहा है, और धार्मिक मान्यताएं परंपराएं हमेशा से अलग रही है। बिल्कुल, और ये धर्म और राजनीति एक साथ भी है, समानांतर भी है और अलग अलग भी है, ठीक। और इनमें एक जो महीन रेखा है उसका सम्मान बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मंचों को धार्मिक मंच बनाया है, अच्छा। जिस तरह अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए छल कपट और प्रपंच के सहारे धार्मिक लोगों को भड़काया है, और दूसरे धर्म का जिस तरह से इन्होंने टारगेट करके राजनीति की है उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी बना है। बिल्कुल, और इन्होंने किस तरह से धार्मिक जो हमारे संस्थान है, अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता जो हमारे भाई हैं साथी हैं वो बोल रहे थे कि चार जो मठ है, पूज्य शंकराचार्य है, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी के बाद जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जब गद्दी मिलनी थी, इस दौरान इन लोगों ने उसको राजनीति का जी लगातार जिस तरह से राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भाजपा नहीं करा रही है, अच्छा, उसमें चंदा सब लोगों ने दिया, हमने भी दिया, अच्छा, भाजपा के दो आपने भी दिया है, दिया है सब लोगों ने दिया है, और ये कहते कि वो भाजपा मंदिर बना रही है। ये मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाए, और ये सरकार मंदिर का निर्माण करा दिया, अच्छा। भाजपा जो धार्मिक जो मुद्दे हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाकर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान
मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव से लड़ती है, क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे हैं रोजगार के, जो जनता के असल मुद्दे हैं महंगाई के, जो जनता के असल मुद्दे हैं शिक्षा के, चिकित्सा के, जी सड़कों के, उन मुद्दों को साइड पर कर दिया जाए और धार्मिक मुद्दों पर भावनात्मक रूप से जनता को भड़काकर सत्ता प्राप्त की जाए। जवाहरलाल नेहरू पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है विवेक श्रीवास्तव, उसका जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। बोला सम्मेलन संशोधन होना चाहिए, जी जितना मुंह उतनी बातें। अच्छा, अब जब एक विचार जो थे जब आजादी के समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे, कह रहा जो हो रहा है वो आज वही लोग, मैं वही बात बता रहा हूँ जी गौरव जी, मैं वही बात बता रहा हूँ, आज वही लोग पूंजीपतियों की तरफ खड़े हैं। अच्छा, तब भी ये जनता के साथ नहीं खड़े थे, तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अच्छा, आज भी ये पूंजीपति के साथ खड़े, आज भी जनता के साथ खड़े हुए नहीं है। इनसे ये पूछा जाए कि असली तुष्टिकरण तो उन आरएसएस वाले लोगों का था जो तब अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अरे तुष्टिकरण क्या होता है जी? आप यहाँ लोगों को ये भड़काते थे जब स्वतंत्रता जी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आंदोलन की बात कहते थे, तो ये उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे और कहते थे अच्छा हमें अंग्रेजों के साथ रहने में भलाई है। अच्छा ठीक है, सवाल पूछा जाए जी, पूछता हूँ विवेक श्रीवास्तव, या विवेक पांडे बोल रहे थे कि जो राम मंदिर निर्माण हुआ है वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, आप लोग क्यों बोलते हैं कि हमने कराया है? आप उस समय उंगली उठा रहे थे जवाब देने के लिए, जवाब दे दीजिए भाई। देखिए गौरव जी, जी विवेक जी ने दो तीन बातें कही जी, मैं उन सारी बातों पर जवाब देना चाहता हूं। बोल लीजिए जी। राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है जी? भगवान राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के रास्ते में जी जितने रोड़े इन लोगों को अटकाने थे इन्होंने अटकाए। क्या बात है, कार सेवकों पे मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। हाँ, जिन स्वरूपानंद की कसम खाते नहीं थक रहे विवेक जी, उन स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार करवाया मुलायम सिंह यादव ने। अच्छा, और तब गिरफ्तार करवाया जी जब राजीव गांधी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, हमारे समर्थन वापसी के बाद बिल्कुल उस समय गिरफ्तार करवाया। तो पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी की गिरफ्तारी का पाप जी आजाद भारत में किसी शंकराचार्य की प्रथम गिरफ्तारी थी वो नहीं। अखिलेश यादव जी तो स्वरूपानंद सरस्वती जी के चरण वंदन कर करके आशीर्वाद लेकर के आए थे। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूँ जो स्वरूपानंद सरस्वती जी की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने उनको सम्मान कितना दिया? गिरफ्तार हुए थे बता दो, गिरफ्तार हुए नहीं, इन्होंने सम्मान कितना दिया? गिरफ्तार हुए थे तो पूछ रहा हूँ ना जी, भाजपा को तो उन्होंने गो वंशों के मृत्यु का जनक बताया। बोलते रहे गोली चलवाई हो, गिरफ्तार आपकी सरकार को। बताइए कितने कितने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ये धार्मिक उन्माद में बदलते हैं, यही तो मुद्दा है। अच्छा भाई, धार्मिक उन्माद में बदलने वाला मुद्दा ही तो है बेबे भाई। भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धार्मिक उन्माद बताते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आवाज आए, इन्होंने आरोप लगा दिए, चलिए आरोप का जवाब दे लीजिए। कार सेवकों के परिवार को पेंशन दे रही है भाजपा, कितने कार सेवकों के परिवार को पेंशन दे रही है भाजपा, कितने लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी भाजपा की सरकार ने, कितने मृतक कार सेवक के परिवारों को सरकारी नौकरी दी, कार सेवकों की मूर्तियां लग गई क्या? और भाई कार सेवकों के परिवारों को क्या वहाँ पे जमीनें दी गई क्या बसने के लिए? भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, चले जवाब ले लीजिए, जवाब ले लो मेरे भाई। हाँ, जवाब ठीक ठीक बोले बोले जवाब बोले भाई साहब, एक जवाब में इतना झुंझला जाओगे कैसे चलेगा? मैं तो तीन जवाब और दूंगा ना, जवाब बोले बोले बोले। देखिए जी, पहली बात तो जो कार सेवक गए थे वो राम के कार्य पे गए थे जी, ठीक है, और इन्होंने बहुत हल्की बात की जी कि कितने कार सेवकों के परिवार को पेंशन भाजपा दे रही है। अच्छा, क्यों भाजपा कार सेवकों के नाम पे वोट मांग रही है? सालों साल सत्ता में रहने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। विवेक पांडे जवाब दे दीजिए जी, बोलिए भाई विवेक जी, इन्होंने बोला मैं सारी बात बहुत बोले मैंने सुना, जवाब दे रहे समय का समय का बोलिए, जवाब नहीं दे रहे समय आप खत्म कर दीजिए समय फिर नहीं आप बोले बोलिए बोलिए नाराज क्यों रहे भाई बोलिए समय का भी थोड़ा बोल लो आपको मौका नहीं दूंगा बोलिए जी। जो लोग राम कार्य के लिए निकले थे जी वो किसी पेंशन किसी वजीफे की चाह में नहीं निकले थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। पहले बात तो हमारे जिम्मेदारी है ना, कार सेवकों के महान कार सेवकों की त्याग की इस तरह से अपमानित करने का काम ना कर विवेक पांडे जी। जी नहीं नहीं, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना, वो भगवान राम के कार्य में निकले थे और भगवान राम के कार्य में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा कर उनकी शहादत ले ली, ठीक है, वो पाप मुलायम सिंह के सर पे है और रहेगा। अच्छा,
स्वामी स्वरूपानंद पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी का पाप मुलायम सिंह ने किया, हाँ। राजू गांधी के सहयोग से किया, वो पाप इनके सर है और रहेगा। अच्छा ठीक। और संतान माँ बाप के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है, अच्छा। ये सत्य है, ये भी रहेगा। अच्छा। उस पाप का फल अखिलेश यादव भोगेंगे और भोगेंगे। अच्छा, पाप का फल भोगना होता है, मानते हैं ना। गो हत्या के सबसे बड़े समर्थक है योगी आदित्यनाथ, अविमुक्तेश्वरानंद जी, वर्तमान शंकराचार्य के शब्द हैं। आप यकीन मानिए, गोकर्णी महाराज के आशीर्वाद से और श्राप से जो कांग्रेस आज अब इस अवस्था में है, आज उनकी आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी। गौरव भाई, उनकी आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी। नहीं नहीं, अगर ये घोषणे का काम करेंगे, नहीं मैं यहाँ बैठ के इनके रुदन प्लाप सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे आपने बात बोली, नहीं बैठ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, नहीं नहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कोसेंगे तो मैं यहाँ रुदन प्लाप सुनने नहीं बैठा। यहाँ बात एक तार्किक बात हो रही है, चर्चा करेंगे। सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, जी अपने पिता के पाप से थोड़ी बच पाओगे। अच्छा, आप गो हत्या के पाप से बच जाएंगे क्या? गोवंशों का जो दुर्गति और नाश आपने किया है, पाप से थोड़ी बचोगे? शंकराचार्य के शब्द है कि गोवंशों का सबसे बड़े समर्थक है योगी आदित्यनाथ। बताइए, आपके शासनकाल में जितनी गोवंशों की हत्याएं हुई है, हत्या बोल रहा हूँ, हत्या मृत्यु नहीं हुई है, हत्या की है लोगों ने, वो वंशों की सबसे ज्यादा दुर्गति करने वाली भाजपा सरकार है। वो वंशों पे अगर इतना इनको आस्था थी, आते इन्होंने गोमांस का निर्यात क्यों बंद किया? गो को राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं दिया? गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया? बताइए ना, सहज क्यों बैठ करके रुदन प्रलाप करेंगे? पांडे जी वाले राजनीति है, पांडे जी वाले भाई, पांडे भाई जवाब दीजिए, भाग जाएंगे बिचरे। बोलो जी, बोले बोले, इनके पास धैर्य नहीं सुनने का जी। नहीं, आप रुदन प्रलाप छोड़ के तारीख में बात करिए। बोलिए जल्दी, बोलिए। ब्राह्मण शब्द को कोट करते हुए जी, इनको स्पष्ट बता दूं, कहीं भी मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण शब्द का उल्लेख नहीं किया है। वो मराठी सभा में बोल रहे थे, पंडित का अर्थ होता है विद्वान, विद्वान। कहीं भी ब्राह्मण शब्द का उल्लेख नहीं किया, संघ से उसका स्पष्टीकरण भी आ चुका है, बिल्कुल। उसको सुनने अपडेट होकर आया करें। नहीं नहीं, संघ का स्पष्टीकरण आ गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पंडित शब्द से क्या आस्था प्रभावित नहीं होती है क्या? क्या पंडितों को हिंदू नहीं मानती क्या भाजपा? आरएसएस भी नहीं मानती क्या? अरे बताइए ना, और पंडित ने भी कहाँ बनाई थी वो व्यवस्था? मनु राजा सत्यव्रत की बनाई व्यवस्था पंडित ने कैसे जोड़ दी गई? अरे भाई जवाब सुन लो मेरे भाई, आपको मौका दूंगा। पंडित तो जवाहरलाल नेहरू भी नाम में लगाते थे, किस मुसलमान से कम थे वो? जी सुन लो, सुनो पूरा जवाब सुन लो, जल्दी बोलिए। पंडित तो जवाहरलाल नेहरू भी अपने नाम में लगाते थे जी, किस मुसलमान से कम थे? गोवंशों की हत्या कराने वाले किस मुसलमान से कम हुए? गोवंशों की हत्या कराने वाले कौन से कसाई से कम हुए? गोवंशों की हत्या करने वाले कसाई से कम हुए? आप सम्मान से बात नहीं कर रहे भाई, आप सड़क छाप आदमी है क्या? तू जी, अरे मैं तो छपासी और सड़क छाप आदमी है क्या? प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर ये करेंगे, सत्तावारी नहीं, सत्तावारी खराब है। गोवंशों की हत्या करने वाले बोलिए, अरे शराबानी चाहिए छपासी, गौरव जी सुनना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, आरोप लगा के क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए, जवाब सुनने में दर्द है। आखिरी एक मिनट बोलिए, जल्दी बोलिए, आखिरी एक मिनट बोलिए, मुझे मुझे जवाब देने दीजिए, जल्दी बोलिए। हाँ, कानपुर की दुर्जी दुर्घटना की बात कर रहे हैं जी, उस पे जांच कमेटी बन चुकी है, अभी तक जो लेटेस्ट मंत्री के पति का बयान देख लीजिए, लड़की दरवाजा पति का बयान देखिए कि औरतों में खुद आग लगाने की प्रवृत्ति होती है। मंत्री के पति का बयान है कि औरतों में खुद आग लगाने की प्रवृत्ति होती है, इतना असंवेदनशील वक्तव्य देने वाली भाजपा क्या न्याय करेगी? आप बताइए गौरव भाई, क्या न्याय करेगी? मंत्री का बयान सोशल डोमेन में वायरल है, ट्विटर पे चल रहा है, इतने असंवेदनशील बयान के बाद वो पार्टी में बनी हुई है। ये बात करते हैं रामचंद्र, न्याय करने की भाजपा की औकात नहीं है। ठीक है, ठीक है, 6,000 सुन लीजिए, 6,000 पिछड़े वर्ग की नौकरियां उठा के समर समाज को दे दी, 6,000 ओबीसी समाज की बैकवर्ड वोट की उठा करके नौकरियां इन्होंने समर समाज को दे दी। ये न्याय करेंगे? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये अपनी बातों के विपरीत काम करते हैं। इनका एजेंडा सेट रहता है कि बातों से कहीं और बरगलाओ और एजेंडा कहीं और सेट करके भाजपा वालों की आवाज कम कीजिए। देखिए, इनका चरित्र क्या है? जी गांधी जी को ये
यहाँ गाली देते हैं, बाहर विदेश में जाते हैं तो आदरणीय मोदी जी उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, लेकिन बंद कमरे में जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इस विचारधारा के लोग, मैं दोबारा कहता हूँ, इस विचारधारा के लोग गोडसे की पूजा करते हैं। अच्छा, और महात्मा गांधी की मुर्दाबाद करते हैं। ये अच्छा, देश तोड़ने वाली विचारधारा है। अरे नेहरू, नेहरू की तो आप नेहरू की तुलना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री रहे, लगातार आप किस तरह से निम्न स्तर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ पंडित लिखा हुआ है। आपके आरएसएस के मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं पंडितों को, जातियों का निर्माण करा है। अच्छा, तो क्यों नहीं दूसरे धर्मों में भी, क्या जातियों का निर्माण पंडितों ने करा, शर्म नहीं आती आपको? क्या मुसलमान धर्मों में, क्या ईसाई धर्म में भी पंडित ने जाके जाति का निर्माण करा? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। कानपुर में इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, उसके बाद आपको, आपने क्या डीएम को सस्पेंड करा जी? क्या कार्रवाई करी? भूल गए होंगे, जो दोषी लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर भेजा क्या आपने? विवेक श्रीवास्तव आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट, शर्म आ गई आप लोगों को, बहुत सस्ती और छपासी बात कर रहे हैं आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट, मर्यादा रहनी चाहिए। आखिरी कमेंट 30 सेकंड, जल्दी बोलिए। हमारा स्पष्ट मत है कि धर्म विमुख राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुपालन में जो सनातन संस्कृति के साथ, बहुसंख्यक समाज के साथ जो धोखा हुआ है, उसका एक जीवंत उदाहरण है वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड का गठन ही भारतीय संविधान की तमाम धाराओं के लिए विरोधाभासी है जी, और धाराओं का उल्लंघन है ना। आप लोग संशोधन करा दीजिए। करेंगे करेंगे करेंगे, खत्म हो गया 370 कश्मीर में जी, और करेंगे। अच्छा, और करेंगे, और करेंगे। 370 जवाहरलाल नेहरू का एक पाप हमने धोया था देश से, 370 अनुच्छेद 370 हमने उठा के फेंका डस्टबिन में। अच्छा, डस्टबिन में और धाराओं को उठा के फेंकेंगे। ज्ञान नहीं है, संशोधन हुआ है, 370 अभी भी है, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, ज्ञान अपना ठीक कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। पॉइंट आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट, एक शिष्टाचार के साथ सवाल पूछूंगा। धर्म के बारे में बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाली भाजपा से इनके एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, जिनके नाम पे 72 प्लॉट निकले हैं, क्या उनकी तनख्वाह सरकारी जो है वो इतनी है कि वो 72 प्लॉट खरीद सके, जहाँ एक राजकीय कर्मचारी को एक प्लॉट नहीं मिलता? ये मुद्दा नहीं, नहीं गौरव भाई, मुद्दा तो नहीं है, लेकिन मुद्दा है कि भ्रष्टाचार, इनके अगर नेताओं की जांच अगर ईडी सीबीआई ढंग से कर देती ना आज, तो पूरा धर्म और धर्म के आस्था का जितना भी प्रारूप है सब सामने आ जाता। किस तरीके से धर्म की आड़ में लोगों को नशा करा करके धर्म के नाम का लोगों को अंधभक्त बना दिया, और किस तरीके से आम जनमानस के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो देख लीजिए। राकेश सचान पे एक शब्द पूछ लीजिए क्या कहेंगे, राकेश सचान पे एक शब्द बोल दीजिए क्या कहेंगे, ये 72 प्लॉट उनके नाम पे निकले। अरे अब लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य, आप ही के, आप ही की नीतियों पे चलने वाले राकेश सचान 72 प्लॉट के मालिक है। बताइए भाई, 72 प्लॉट जिसके नाम पे निकला है भाजपा नेता, भ्रष्टाचार के दलदल में योगी आदित्यनाथ की सरकार, और सबसे बड़ी बात मोदी सरकार, न अडानी पे बोलेगी, न भ्रष्टाचार पे बोलेगी, न लोकतंत्र हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने को ये पाप भोगना पड़ेगा। देख सकते हो गया, हो गया, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि धर्म की जरूरत क्या है, और राजनीति में इस समय धर्म की जो दखल है वो ज़्यादा हो चुकी है, केवल धार्मिक बयानबाजी हो रही है। जैसा कि विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा का कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि होनी नहीं चाहिए थी, और उस पर जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ यहाँ सम्मान भी जरूरी है। ठीक है, सम्मान जरूरी है, सम्मान की बात भी यह जरूरी है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था और हमारी रूपरेखा बताती है कि सम्मान हमारे देश में जरूरी है, महिलाओं का भी, सभी वर्गों का भी, और संविधान का भी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि अगर रोटी कपड़ा और मकान नहीं होगा तो आदमी जिएगा कैसे? जब जिएगा तभी तो सम्मान होगा, जब जिएगा ही नहीं तो सम्मान किसका करेंगे? वास्तव में अगर चर्चा में आगे बढ़ना है या वास्तव में कुछ अलग प्रस्तुत करना है देश के लिए, जनता के लिए, तो कुछ धर्म से अलग जनता के मुद्दों की राजनीति करिए, तब हमको भी अच्छा लगेगा और शायद जनता भी आपकी इस व्यवस्था को समर्थन देती नजर आएगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।